हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीम। आई एम फ्रॉम नर्चर टेक एकेडमी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक रो डेटा है और अगर मुझे इसमें से फिल्टर करना होता है कोई भी प्रोडक्ट को, अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सर्च में जाकर हम उसका नाम टाइप कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, वो प्रोडक्ट फिल्टर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फिल्टर करना हो तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास डेटा होता है उसमें काफ़ी लिस्ट होती है और उसमें से जाकर मैं वन बाय वन अगर मैं चेक करना होगा तो मुझे काफ़ी नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद तब मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ। भी आपको कैटेगरीज में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फिल्टर करना हो तो आप बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक यूज़ कीजिए। आपको यहाँ पर टाइप करना है होम, देन क्लिक ऑन ओके। तो अभी ये होम का प्रोडक्ट सारा फिल्टर हो गया। अब मैं इसमें एक और प्रोडक्ट को फिल्टर कर देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लाइक एक्सेसरीज। बस उसको मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप ओके प्रेस करोगे और आप देख सकते हो सिर्फ होम नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सेसरीज का भी ऑप्शन फिल्टर हो गया है, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसके साथ साथ अगर आपको थर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो आप बस यहाँ पे से टाइप करोगे, उसको ऐड करोगे और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। नाउ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फिल्टर करना है तो आप इस प्रोसेस थ्रू आसानी से कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो एक और टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कई बार रिपीट होकर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इनमें से वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए जो जो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को लाइक मैंने इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे ये सारी लिस्ट है, बट वी कैन नॉट कॉपी इट, है ना, हम इसे कॉपी नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स को निकालना है बिकॉज इसमें प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, राइट। सो किसी भी कॉलम से अगर से आपको यूनिक रिकॉर्ड बाहर निकालना हो, यस इट्स वेरी इजी प्रोसेस। आपको करना क्या है, सिंपल आपको जाना है डेटा टैब। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर, इट्स कॉल्ड एडवांस, राइट। एडवांस को ओपन करना है। इस एडवांस के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इस ऑप्शन का यूज़ अगर आप करते हो तो आपका डेटा फिल्टर होगा इस मेन टेबल के ऊपर, ओके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिकॉर्ड कहीं और आ जाए तो द बेस्ट फीचर इज़ कॉपी टू अनदर लोकेशन, ओके। सो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो फ्रेंड्स देखो, लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, सिंपल आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें वो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज में क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज में कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉपी टू अनदर लोकेशन का मतलब होता है कि आप वो यूनिक रिकॉर्ड्स कहाँ चाहते हो। देखो आप इसी शीट पे भी ले सकते हो, इसके अलावा किसी और शीट पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसी शीट को ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, आप इस पे ऐसे क्लिक करो और ओके कर दो, सी द मैजिक, ओके। तो सारे यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या हो गए, आपको यूनिक प्रोडक्ट्स की के लिस्ट यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है। वन मोर टिप्स फॉर टुडे दैट अगर मुझे प्रोडक्ट्स फिल्टर्ड प्रोडक्ट चाहिए बट किसी और शीट पे चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ फिल्टर करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर उसे हम लोग पेस्ट करते हैं। समटाइम्स डेटा एक्चुअल पेस्ट नहीं होता और हम कभी परेशान होते, फिर हमें मैनुअली इसे करना पड़ता, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक कि आप क्राइटेरिया बेस पर डेटा को कैसे पेस्ट कर सकते हैं। सी, मैंने यहाँ पर इसकी क्राइटेरिया को यहाँ से मैंने कॉपी किया, ओके, पेस्ट किया। सोचो कि मेरे को क्राइटेरिया में चाहिए होम, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। अच्छा, होम के साथ साथ मुझे जो उसकी टोटल यूनिट्स को देखना है वो वही देखने हैं जिनकी प्राइस वैल्यू 250 से अबव है, है ना। तो देखो मैंने दो क्राइटेरिया दे दिया, बट ये बहुत ही सिंपल सा इजी प्रोसेस था। अगर आप फिल्टर यहाँ लगाते हैं और यहाँ सोचो कि आपने सेलेक्ट कर लिया होम और यूनिट्स पे गए और यहाँ पे जाकर आपने यू नो ग्रेटर देन यू नो 250 देन ओके, यस आप ये रिजल्ट गेट कर सकते हो। बट जब आप इसे कॉपी करके पेस्ट करते हो तो ये डेटा सेम नहीं आता, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे एक मैजिकल ट्रिक्स
कि विदाउट टचिंग दिस एक्चुअल डेटा वी विल गेट रिजल्ट. हाउ वी कैन गेट दैट? इट्स वेरी इजी. गो टू होम टैब, सॉरी गो टू डेटा टैब, एडवांस ऑप्शन. इन एडवांस ऑप्शन, यस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, मुझे रिजल्ट कहीं और चाहिए तो मैं लूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन. इन दिस ऑप्शन फर्स्टली आपको क्या करना है, सेलेक्ट द होल टेबल, लिस्ट एजेंट सेलेक्ट द होल टेबल. क्राइटेरिया, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया आप दोगे, ठीक है ना? तो क्राइटेरिया के लिए आप सेलेक्ट करोगे दिस ऑप्शन. देन अगेन वही क्वेश्चन, कहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, क्लिक ऑन ओके, है ना? देखो यहाँ पे सारे होम प्रोडक्ट्स ही आए हैं और वो यूनिट्स आ रहे हैं जिनकी वैल्यू 250 से अबव है, राइट? सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैप्पी लर्निंग.